नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अक्सर ये कहा जाता है कि ना कोई चीज ज्यादा मात्रा में अच्छी होती है और ना ही कम मात्रा में, क्योंकि नुकसान दोनों ही तरह से होता है। लेकिन प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं होता और प्रकृति ने एक बार फिर से साबित कर दिखाया है। बिहार में हुई मूसलाधार बारिश ने पटना को तालाब बना दिया है। पटना जैसा शहर भी एक तालाब में अब तब्दील हो गया है। लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं, वो बाहर निकल के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। पटना के घरों में अब लोग नहीं रहते बल्कि बाढ़ का पानी रहता है। पूरे बिहार में बाढ़, बारिश और जलभराव से बुरे हालात हैं और ऐसे में अब बिहार में महामारी का भी खतरा बढ़ गया है। बिहार में बाढ़, बारिश और जलभराव से बुरे हालात हैं। राज्य में 160 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब महामारी का खतरा मंडरा रहा है। पूरे प्रदेश में डेंगू के 775 मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले पटना में करीब 520 मामले हैं। शनिवार को डेंगू के 120 मामले पॉजिटिव पाए गए, जबकि चिकनगुनिया के भी 70 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पटना में हुई बाढ़ से दुर्दशा के बाद चारों ओर से घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का साथ मिला है। हालांकि पासवान ने पटना का जल जमाव का कोई जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट कर जरूर कहा कि राज्य के मुखिया के तौर पर आपने सुशासन की नई परिभाषा लिखी है। उधर पटना में आई बाढ़ के पानी की निकासी न होने से नाराज लोगों ने शनिवार को राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकार से उन्हें राहत प्रदान करने की मांग की। पूरा पटना पानी पानी हो गया है। प्रशासन के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है और कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले में सुस्त जरूर पड़ा है और अब तो बिहार में महामारी का भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।